हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी क्लैट पीजी एजुकेटर मंजरी सिंह। टुडे आई हैव कम अप विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज आर राजगोपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दिस केस इज फेमसली नोन एज ऑटो शंकर केस। ये केस अपने टाइम पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस रहा ही है, साथ ही में बीच में अभी फिर से ये न्यूज में आया रिगार्डिंग इस पे एक मूवी बनी थी। 4 साल पहले इस पे ऑटो शंकर केस के नाम से एक मूवी बनी थी, जिसकी वजह से लोगों में इस केस की और लोकप्रियता बढ़ी। लोगों के अंदर जिज्ञासा हुई कि आखिर भाई ये ऑटो शंकर नाम का इंसान कौन था। तो चलिए आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस केस के बारे में। हम केस स्टडी करेंगे कि क्या फैक्ट्स थे, दोनों तरफ की पार्टीज का क्या कंटेंशन था, एंड देन जजमेंट क्या आया था जिसका इन्फ्लुएंस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए पर क्या पड़ा। बिफोर मूविंग दैट, 6 जुलाई से हमारा क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए अचीवर्स बैच लॉन्च हो चुका है। सेकेंड बैच है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसमें मैं पढ़ाती हूँ 6:30 बजे हर मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। आपने अभी तक अगर एनरोल नहीं किया है तो फटाफट से एनरोल कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अब क्लैट पीजी के पेपर में नहीं बचा है इफ़ यू आर टारगेटिंग क्लैट पीजी 2024। फर्दर आपके पास 3 तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लैट देना है, 25 देना है कि 24 देना है, अकॉर्डिंग टू दैट आप ये प्लान चूज कर सकते हैं। अगर कोई आप और एलएलएम एग्जाम्स भी टारगेट कर रहे हैं तो वो भी ध्यान में रखते हुए आप इस प्लान को चूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सिलेबस कवर करेंगे वो हर एक एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। दैट्स वाई इस प्लान का नाम ही है अदर एलएलएम एग्जाम्स, इसमें इंक्लूड किया गया है क्योंकि सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अगर 15 जुलाई तक आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेगा 20% ऑफ इफ यू यूज माई रेफरल कोड MSingh10। तीनों तरह के क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शन पर आपको ये 20% ऑफ मिलेगा। यू जस्ट हैव टू पुट माई रेफरल कोड MSingh10 एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में बेनिफिट जो आपको मिलेंगे वो ये हैं कि डेली लाइव क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट कराई जाती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज यहाँ पर होंगी, साथ ही में स्ट्रक्चर्ड पैटर्न है जो फॉलो किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन क्लास पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएगी। अगर आपको बैच पूरा ज्वाइन नहीं करना है, आपको लगता है कि मेरा बाकी का सिलेबस कवर है, माइनर लॉस कवर होते हैं, वो मैं खुद से कर सकता हूँ, बट जो मेजर पोर्शन है आपका क्लैट पीजी का, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक QR कोड स्कैन करना है एंड आप सब्सक्राइब कर लोगे डायरेक्ट। ऑफर्ड प्राइस अभी है इस पर 15,999 का। अगर आप मेरा रेफरल कोड MSingh10 यूज करते हो तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस पर मिलेगा। मैं करूंगी यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। स्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलेंगी, प्लस इन क्लास डाउट सेशन का भी यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगा। आज हम जो भी केस को एनालाइज करेंगे उसके अगर फ्री नोट्स आपको चाहिए, एक्सेस चाहिए फ्री नोट्स का, तो आपको ये QR कोड स्कैन करना है और आप आज का केस लॉ एंड इससे पहले के सारे केस लॉस के नोट्स का फ्री में एक्सेस कर सकते हो। मूविंग फर्दर, अन अकेडमी पे मैं लेती हूँ स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे एट 6:30 PM। वहाँ पर मैं वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उसको मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, आज का भी सेशन हमारा 6:30 पे होगा, विच इज ऑन द लीगैलिटी ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स इन इंडिया। सो डू ज्वाइन बाय जस्ट स्कैनिंग दिस QR कोड। आपको प्रीवियस क्लासेस तो मिली जाएंगी, फर्दर आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का QR कोड हमारा रहा स्क्रीन पर, आप अगर इसको स्कैन करोगे तो हमारा डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लोगे एंड आपको वहां पर सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। सो अब आते हैं ऑटो शंकर केस के बारे में। ऑटो शंकर इसको कहा क्यों जाता है, बिकॉज शंकर नाम का एक बंदा था, ठीक है, जो प्रिजनर था वो ऑटो ड्राइवर था, ठीक है, उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे थे एंड उसको डेथ पनिशमेंट दी गई थी। उसने एक ऑटोबायोग्राफी बुक लिखी, जब वो प्रिजन में था तो उसने एक आत्मकथा अपनी लिखी और उस आत्मकथा में उसने अपना रिलेशन प्रिजन अथॉरिटीज के साथ बताया, क्योंकि वो बहुत ही, अगर हम जानते हैं आप और हम सब जानते हैं कि जो बड़े बड़े गुंडे माफिया होते हैं उनके सर पर किसी न किसी का हाथ होता है, ठीक है, उनको आगे बढ़ाने में कोई ना कोई रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर उसी तरीके से ये बंदा जो था, यहाँ पर उसका रिलेशनशिप था कुछ सीनियर प्रिजन अथॉरिटीज से एंड उनके बारे में उसने उस अपनी बुक में मेंशन किया था। ही जॉइंड हैंड्स विद दोज पीपल व्हाइल डूइंग एन इलीगल एक्ट,
तो उसका यही था कि अगर मैं फंसा हूँ तो भाई मैं सबको फंसाऊंगा, ठीक है। तो सबके बारे में उसने उस बुक में मेंशन किया था। बुक लिखते टाइम वो प्रिजन में ही था एंड ही वॉज सर्विंग द लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड देन उसको बाद में डेथ पेनालिटी की सजा हुई थी। जब उसको फांसी की सजा होने वाली थी उससे पहले उसने वो बायोग्राफी अपनी वाइफ को दे दी थी प्रिजन ऑफिशियल्स के थ्रू, ठीक है। प्रिजन ऑफिशियल से कहा कि मेरी वाइफ को पहुंचा दो। वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने सीधे सीधे बुक उठा के पेटिशनर्स को दे दी। अब देखो पेटिशनर यहाँ पे ना शंकर है ना उसकी वाइफ है, पेटिशनर यहाँ पर एडिटर है, प्रिंटर है, पब्लिशर है, नकीरन तमिल वीकली मैगजीन का। तमिल वीकली मैगजीन आती थी नकीरन नाम से, तो जो उसका पब्लिशर था, उसका जो एडिटर था, प्रिंटर था, एसोसिएट एडिटर था, उन लोगों ने ये केस फाइल किया था। बेसिकली मामला क्या था, मामला ये था कि जब ये बुक को पब्लिश कराना चाह रहे थे तो स्टेट ऑफिशियल्स ऐसा नहीं चाहते थे कि वो बुक पब्लिश हो, क्योंकि अभी मैंने मेंशन किया कि उसमें चांसेस था कि उसने रिलेशनशिप के बारे में बात करा था विद द प्रिजन अथॉरिटीज एंड अदर ऑफिशियल्स, तो वहां पर उन लोगों की पोल खुल जाती, उनकी सच्चाई बाहर आ जाती। जस्ट फॉर दिस सेक स्टेट चाहता था कि ये बुक पब्लिश ना हो, लेकिन पेटिशनर्स ने फिर यहाँ पे केस फाइल किया एंड उनका कहना था कि हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि हम अपने व्यूज को एक्सप्रेस मैगजीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू ही करते हैं, और अगर हमें ये अलाउ नहीं किया जाएगा तो इन दैट केस हमारा आर्टिकल 19(1)(a) का जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड वायलेशन हो रहा है। आईजी जो थे इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन के, उन्होंने लेटर ले भेजा पेटिशनर्स को और उन्होंने कहा कि ये जो ऑटोबायोग्राफी तुम्हारे हाथ लगी है ये एकदम गलत है, एकदम झूठ है एंड पब्लिकेशन इस किताब का होना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि ये प्रिजन रूल के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। प्रिजन रूल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा था कि ये बुक पब्लिश, अगर कोई लिख रहा है तो बुक पब्लिश होगी, बट कहीं पर ये भी नहीं लिखा था कि अगर किसी ने बुक लिखी है तो पब्लिश नहीं होगी, ठीक है। बट डराने के लिए, धमकाने के लिए आईजी ने कहा कि प्रिजन रूल के अगेंस्ट है। आईजी और प्रिजन ने धमकी भी दी कि हम लीगल एक्शन तुम्हारे खिलाफ लेंगे अगर तुमने बुक पब्लिश कर दी, क्योंकि ऐसा लग रहा था, एप्रिहेंशन था कि ये बुक जो है वो डिफेमेटरी है नेचर में स्टाफ और प्रिजन ऑफिशियल्स के लिए, जब प्रिजन की सच्चाई जो है वो शायद ऑटो शंकर सामने लेके आता, ठीक है। उनको ये डर था कि स्टाफ के मेंबर्स हैं, प्रिजन ऑफिशियल्स हैं, ये उनके लिए डिफेमेटरी कहीं ना कहीं हो सकता है। मेन मामला आता है कि इश्यूज क्या थे इस केस में, आखिर फिर इतने के बाद क्या हुआ। अगर देखा जाए तो पेटिशनर यहाँ पर कौन है, एडिटर्स हैं, ठीक है। नकीरन तमिल वीकली मैगजीन से एसोसिएटेड पीपल आर द पेटिशनर्स हियर। रिस्पोंडेंट कौन है, रिस्पोंडेंट स्टेट है। तो आखिर यहाँ पे शंकर और उसकी वाइफ का तो कोई रोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी केस चल रहा है, ठीक है। इश्यूज क्या रेज हुए, ये हुए कि स्टेट का कहना था कि भाई आप तो मेरी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारा राइट, क्या स्टेट, पहला क्वेश्चन था क्या स्टेट के पास राइट है बुक का पब्लिश पब्लिकेशन रोकने के लिए। अगर स्टेट की राइट टू प्राइवेसी इंफ्रिंज होती है, मान लीजिए अगर कोई भी ऐसा पब्लिकेशन वर्क है जो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, स्टेट की राइट टू प्राइवेसी को, तो क्या उसको रोका जा सकता है। स्टेट के पास क्या अथॉरिटी है कि उसके पब्लिकेशन को एडवांस में रोक दे जस्ट बिकॉज उसको एप्रीहेंशन है कि राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रही है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू प्राइवेसी के ऊपर है। क्यों, क्योंकि देखो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हम बात करें तो हमें पता है 19(1)(a), ठीक है, 19(1)(a) हमें पता है। आज की डेट में हमें पता है राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में दिया है, बट एट दैट टाइम ये चीज नहीं थी। के एस पुट्टु स्वामी के बाद हमें मालूम है राइट टू प्राइवेसी को एंटरटेन कर दिया गया आर्टिकल 21 में, बट उस वक्त ये चीज क्लियर नहीं थी, ठीक है। तो अब उस वक्त तो कोई आर्टिकल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं रहा था, फंडामेंटल राइट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ही नहीं थी, तो हम ये कह ही नहीं सकते थे कि भाई 19(1)(a) ऊपर रहेगा कि आर्टिकल 21 ऊपर रहेगा। तो कोर्ट के सामने लेकिन ये क्वेश्चन आया कि दोनों में से हम किसको ऊपर रखेंगे। अब प्लेंटिव जो थे उनका आर्ग्यूमेंट्स क्या था यहाँ पर, ठीक है, क्या कहना था एडिटर्स का। उनका कहना था कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसके पास फंडामेंटल राइट होती है अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की एंड कोई भी हमें रोक नहीं सकता, हमारे राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोल दिया। सेकेंड, इन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करी है क्योंकि उनको ये डर है कि हम शायद उनके कनेक्शंस को सबके सामने एक्सपोज कर देंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि उनको ये डर लगता है। प्रिजनर जो है उसके पास राइट है, इन्होंने ये भी कहा, जो हमारा प्रिजनर था जो शंकर था भाई उसके पास भी राइट है कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत कि वो अपनी बुक को पब्लिश करा सके, जब भी चाहे वो अपनी बुक को पब्लिश करा सके। फदर उन्होंने कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है जिसका
हवाला स्टेट ऑफिशियल दे रहे हैं, तो राइट टू प्राइवेसी उस टाइम पे फंडामेंटल राइट तो था नहीं, पहली चीज। इसीलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये ओवर पावर उसको करती है डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द इशू। उस टाइम पर ये फंडामेंटल राइट नहीं था, तो जब फंडामेंटल राइट उस टाइम पे नहीं था तो सबसे ऊपर कौन सा राइट आ गया, 19(1)(a) जो फंडामेंटल राइट था। तो इसलिए कहा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्या कर रहा है, ओवर पावर कर रहा है। अब डिफेंडेंट्स का क्या कहना था, स्टेट वाले साइड का क्या कहना था, उनका कहना ये था कि जो ऑटोबायोग्राफी शंकर ने लिखी है ये डेरोगेटरी और फॉल्स इंफॉर्मेशन कंटेन करती है इन नेचर, एंड पब्लिशिंग द सेम माइट हैम्पर और इन्फ्रिंज द प्राइवेसी ऑफ द ऑफिशियल्स एंड द प्रिजन अथॉरिटीज। सीधे सीधे कहा कि डेरोगेटरी रिमार्क्स है, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, एंड इसको अगर हमने पब्लिश कर दिया तो ये ऑफिशियल्स की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ होगा एंड प्रिजन अथॉरिटीज की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि जेल ऐसी जगह है जो आम जगह नहीं है, हर किसी को जाना अलाउड नहीं है, हर किसी को अंदर तक नहीं जाने देते हैं, वहां की सिचुएशन नहीं दिखाते हैं। तो इनका कहने का मतलब था कि अगर मान लीजिए ऑटो शंकर ने अपने उसमें कोई भी चीज लिखी है तो वो क्या है, वो प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। फर्दर इन्होंने कहा कि कोई कॉन्क्रीट प्रूफ पहली बात तो इस बात का नहीं है पेटिशनर के पार्ट पर कि क्या ये शंकर ने बुक लिखी भी थी या फिर सिर्फ और सिर्फ एक मियर एलिगेशंस लगा रहे हैं पब्लिशर, समझ रहे हैं। उनका कहना था भाई मान लीजिए किताब किसी और के लिखी हुई है और आप कह रहे हो शंकर ने लिखी है, शंकर वॉज अ प्रिजनर, उसको सच्चाई पता थी, आप जो भी प्रिजन अथॉरिटीज उसके साथ कनेक्शंस रखते थे उसके बारे में उसको पता था, एंड ही हैड मेंशनड अबाउट दिस इन हिज बुक। तो यहाँ पर डिफेंडेंट्स का कहना था कि क्या प्रूफ है कि ये किताब उसने लिखी है, तो आप में से कोई भी लिख के हमारे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए कर सकता है ना। अब इसमें लॉज कौन कौन से इन्वॉल्व थे, ठीक है, ये तो मेन इश्यूज हमने देख लिए। अब लॉज कौन से इन्वॉल्व थे, मैंने आपको कहा 19(1)(a) इन्वॉल्व है, 19(2) इन्वॉल्व इसलिए होगा क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस 19(1)(a) के 19(2) में दे रखे हैं। आर्टिकल 21 इंक्लूडेड है, ऑब्वियस सी बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट राइट टू प्राइवेसी तो वो बहुत समय से आर्टिकल 21 पे विचार होता था, वो तो आके कहानी रुकती है केएस पुट्टुस्वामी में जिसमें हमने राइट टू प्राइवेसी को 21 में डाल दिया, ठीक है। नाउ 499 एंड 500 आता है आईपीसी का, जो कि डिफेमेशन से डील करता है, ये दोनों क्योंकि वही बात हो गई ना कि स्टेट ऑफिशियल्स का कहना था कि इन्होंने जो भी अपनी बुक में लिखा है दैट इज डिफेमेटरी इन नेचर, तो इन प्रोविजंस का भी मामला आया, एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का मामला आया व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट द प्रिजन रूल्स एंड प्रिजन अथॉरिटीज, तो ये भी आ गया, ठीक। अब इसी सब पे जो भी डिस्कस होने के बाद जो जजमेंट आता है दैट वाज कि ऑर्बिटर डिक्टा की अगर हम बात करें, ठीक है, जो एक जनरल कॉन्सेप्ट जो एक जजमेंट पे पहुंचती है कोर्ट, कोर्ट का कहना था कि इस केस में राइट टू प्राइवेसी डिस्कस हुआ है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी की बात उठी है और कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है जो हम आर्टिकल 21 में समझ सकते हैं, आर्टिकल 21 में हम इसको कंसिडर करने को सोच सकते हैं, इसीलिए हर एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि भाई आप उसको अकेला छोड़ दो, ठीक है, सो दैट दे हैव अ राइट टू ट्राई टू सेफगार्ड देयर एंड फैमिलीज प्राइवेसी। हम सोचते हैं ये हर एक इंडिविजुअल को अलग छोड़ दो तो फिर वो अपनी प्राइवेसी के बारे में सोचे, उसकी फैमिली की प्राइवेसी के बारे में सोचे, आप जबरदस्ती किसी के भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट कोर्ट ने दिया रिगार्डिंग राइट टू प्राइवेसी। सेकेंड पॉइंट कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू प्राइवेसी जो है इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है। इफ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस टर्म राइट टू प्राइवेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन देन वी विल नॉट फाइंड आउट दिस, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी ये राइट लिखा नहीं हुआ एक्सप्रेसली, बट इसका एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इसीलिए इट नीड्स टू बी कंसिडर्ड एंड रिस्पेक्टेड, ये दिखता है, एसेंस हमें दिखाई देता है एंड इसीलिए आपको इसको कंसिडर करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द थिंग इज व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, देन इट इज समवेयर एसोसिएटेड टू प्राइवेसी, प्राइवेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे जीने का तरीका क्या है दैट इज समथिंग कनेक्टेड टू द प्राइवेसी, तो इसको कोर्ट ने कंसिडर करते हुए कहा, इसको रिलेट करते हुए कहा कोर्ट ने कि कंसिडर और रिस्पेक्ट करना जरूरी है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट विद रेफरेंस टू दिस केस तो कोर्ट ने क्या कहा, रेशियो डाइस एंड डाई देते हुए कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया कि बुक को पब्लिश किया जा सकता है इवन विदाउट गेटिंग ड्यू ऑथराइजेशन फ्रॉम द शंकर एज दिस इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू पब्लिश अ बुक that does not fall under the category of the reasonable restriction under article 19(2). I already told you, when we talk about 19(1)(a), then it comes with the reasonable restrictions under 19(2).
तो हमारे यहाँ पे देखना ये था कि अगर वो बुक पब्लिश हो रही थी और वो 19(1)A को वायलेट कर रही थी, तो इसका मतलब वो किसी ना किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को भी वायलेट कर रही होगी। बट कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 19(2) में ऐसा कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो मजबूर कर रहा हो बुक को पब्लिश नहीं करने से। ये बुक जो है पब्लिश हुई, ठीक है, कोई अथराइजेशन की भी जरूरत हमें शंकर से नहीं है, क्योंकि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था बुक को पब्लिश करने के लिए। ठीक है, इट डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। पब्लिशर्स कान पब्लिश एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये वायलेटिव होती है। ठीक है, कोर्ट ने क्लियर करा कि पब्लिशर्स जो है कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे वायलेट होती है। बट स्टेट हैज नो राइट टू प्रिवेंट और स्टॉप द पब्लिकेशन ऑफ द बुक, बट दे हैव द रेमेडी टू फाइल अ केस ऑफ डिफेमेशन इफ बुक कंटेन्स एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दैट इंफ्रिंजेस राइट टू प्राइवेसी। कोर्ट ने क्लियरली कहा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज पब्लिश करना चाह रहे हैं जो करनी नहीं चाहिए, दैट इज वेरी मच सीक्रेटिव, तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में हम बात करते हैं। और वो बुक एक बार पब्लिश हो जाती है, अगर उस बुक में ऐसा कुछ भी है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अगेंस्ट जाता है, तो इन दैट केस आप केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो बुक पब्लिश नहीं होगी, तब तक हम कैसे कहेंगे कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आई है वो बुक, पब्लिक ने उस चीज को जाना जो नहीं जानना चाहिए था। ठीक है, एडवांस में हम कैसे कह सकते हैं? ठीक है, कोर्ट ने बहुत क्लियर ये बोला। कोर्ट का कहना था कि स्टेट की कोई राइट नहीं है कि वो पब्लिकेशन को रोके, ठीक है, बट उनके पास रेमेडी है। अगर एक बार बुक जो है आपकी पब्लिश हो गई और उसमें कोई भी ऐसा सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है, तो यहाँ पर उनके पास रेमेडी है डिफेमेशन का केस फाइल करने की। ठीक, ये तो हो गए दो कॉन्सेप्ट जो कोर्ट ने दिए। अब कोर्ट ने इस केस को फर्दर समझने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन भी दिया। क्या ऑब्जर्वेशन था? हमने बात करी यहाँ पर कि डिवीजन बेंच थी, ठीक है, तो जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी जो थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि शंकर की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं उसकी वाइफ की बात करूं या लॉयर की बात करूं, दे आर नॉट द पार्टीज, दे आर नॉट द पार्टीज टू द पेटिशन। वो तो इस पेटिशन का हिस्सा है ही नहीं, एंड ये बहुत ही अनक्लियर है कि क्या बुक एक्चुअली में सच में शंकर ने लिखी भी थी कि नहीं लिखी थी, ये चीज जो है थोड़ा डाउट में आ जाती है। ठीक है, उन्होंने कहा वी डू नॉट हैव देयर वर्जन, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि हमें वर्जन नहीं पता है उनका, वेदर शंकर हैज इंडीड रिटन हिज ऑटोबायोग्राफी और रिक्वेस्टेड और ऑथराइज द पेटिशनर्स टू पब्लिश द सेम। यहाँ पर तो जो कहानी हमको दिखाई जा रही है हम वो देख रहे हैं ना, क्या सच में शंकर ऐसा चाहता था कि बुक पब्लिश हो, क्या अपने उसने वाइफ से कहा था, ठीक, या फिर शंकर ने लिखा भी है कि नहीं, या फिर उसने क्या पेटिशनर्स को रिक्वेस्ट किया था, ऑथराइज किया था कि आप इसको पब्लिश करिएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर छूट जाता है, देयर इज अ गैप। जज ने कहा कि वो अपनी वो इस हियरिंग को सुनेंगे, एज्यूम करते हुए कि बुक ना तो शंकर ने लिखी है ना ही उसने किसी को ऑथराइजेशन दिया था पब्लिश करने के लिए। मतलब हम न्यूट्रल होकर इस केस को सुनेंगे, हम यहाँ पर बायस नहीं होते हैं कि उसने लिखा था या फिर दूर के इसलिए स्टेट रोकना चाह रहे हैं, या फिर नहीं लिखा था कोई और है तीसरा जो उनको फंसाना चाह रहा है, हम न्यूट्रल होकर सुनेंगे। कोर्ट ने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि राइट टू प्राइवेसी कहीं पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है, बट ये अंडर आर्टिकल 21 के एम्बिट में आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसीलिए जो बुक है वो एलिजिडली डिटेल्स कंटेन कर रही है प्रिजन अथॉरिटीज से रिलेटेड इन अ डेरोगेटरी सेंस, तो ये अमाउंट टू डिफेमेशन हो सकता है। कोर्ट का कहना था अगर आर्टिकल 21 से कनेक्टेड है और राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है, तो अगर बुक में प्रिजन अथॉरिटीज से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स दे रखी है और ये गलत तरीके से दिया है, डेरोगेटरी सेंस में दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रिजन एक ऐसी जगह है जो प्राइवेट है, ठीक है, वहां पर भले हम आम जनता ही वहां पर अरेस्ट होके जा रहे हैं, लेकिन सबके लिए ओपन अप नहीं है वो जगह। ठीक है, तो अगर डेरोगेटरी सेंस में प्रिजन अथॉरिटीज के लिए कुछ लिखा गया है, सो दैट विल अमाउंट टू डिफेमेशन। द स्टेट इज नॉट एम्पावर्ड बाय द लॉ टू पुट अ प्रायर रिस्ट्रेंट ऑन द पब्लिकेशन अपॉन द प्रेस ऑफ द मीडिया। स्टेट को कोई पावर लॉ नहीं देता है कि आप प्रेस या मीडिया के ऊपर रिस्ट्रेंट लगाओ किसी भी पब्लिकेशन के रिगार्डिंग। सीधे सीधे कोर्ट ने ये बात कही कि हर एक इंडिविजुअल का एक राइट टू प्राइवेसी होता है, वी क्लियरली अंडरस्टैंड दैट, एंड बुक मेयरली बेस है अपॉन वन पर्सन थॉट, एक पर्सन की सोच पर आधारित है जो बायस हो सकती है, तो ये इमोरल होगा, इलीगल होगा उस पर्सन को डिफेम करना किसी और के एक्सपीरियंस के बेसिस पर। समझ रहे हो आप, किसी के ओपिनियन है, उसने ओपिनियन लिखा है, ओपिनियन होता है तो वो बुक पब्लिश होती है, तो वो इन्वाइट करती है, क्रिटिसिज्म इन्वाइट करती है। तो अगर कोई इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी हम मानते हैं
अब वो किसी एक पर्सन की थॉट पर बेस्ड है जो बायस हो सकता है। हम भाई लिख रहे हैं, जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं तो उसमें हमारे कुछ खास होंगे, हमारे कोई दुश्मन होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मैं मेरे अपने फ्रेंड्स के बारे में अच्छा लिखूंगी, मैं अपने दुश्मनों के बारे में बुरा लिखूंगी, तो बायस नेचर तो हमेशा होता है ना कोई भी बुक लिखते टाइम पे, तो वो बायस हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पर अगर उसके एक्सपीरियंस पर किसी को इलीगल किसी को सॉरी डिफेम करें तो इमोरल और इलीगल होगा। पब्लिक ऑफिशियल्स जो पब्लिक ड्यूटी सर्व कर रहे हैं उनको भी राइट टू प्राइवेसी मिलना चाहिए, क्लियर कट कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने कहा कि हर एक पर्सन के पास राइट है कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश कराए। कोर्ट दोनों तरफ का बैलेंस बना के चल रही है। कोर्ट कह रही है पब्लिक ऑफिशियल्स की राइट टू प्राइवेसी है, मना नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हर एक पर्सन के पास राइट है अपनी ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश कराने का। भाई उसने आत्मकथा लिखी क्यों है? क्योंकि वो बताना चाहता है दुनिया को कि मेरी कहानी क्या थी। वो दुनिया के सामने अपनी कहानी रखना चाहता है। जब उसको पता है कि मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, जब 4 दिन बाद मैं मर जाऊंगा तो मेरे बारे में लोग बुरी बातें करेंगे, तो हो सकता है कि वो अपना दूसरा साइड कुछ दिखाना चाहता हो, लोगों को बताना चाहता हो। सो बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), उसी के चलते उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास राइट है कि वो अपनी ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश करा सकता है। 19(2) जो है ये इम्पोज करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस पर? टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड इसीलिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो ट्रू नहीं है, डिफेमेटरी है, तो वो पब्लिश नहीं हो सकता। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर ऐसा होता, क्योंकि जो 19(2) है उसमें आपका डिफेमेशन भी आता है, ठीक है, उसमें आपका डिफेमेशन भी आता है। और अगर डिफेमेटरी होती वो किताब, अगर डिफेमेटरी होती वो किताब, तो सीधे सी बात है उसको पब्लिश नहीं कराया जाता। लेकिन जब तक पब्लिश नहीं होगी तब तक डिफेमेशन पता कैसे चलेगा? पब्लिकेशन जब होगा तभी तो पता चलेगा ना कि क्या लिखा है सही, क्या लिखा है गलत। रेपुटेशन लोअर हो रही है इन द आईज ऑफ सोसाइटी, ये चेक तो तभी होगा ना जब ये बुक पब्लिश होगी। अगर मैंने बुक कोई पब्लिश करी है, मैंने अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स को पढ़वा दिया और उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया, खत्म, क्या उससे सब सही है? क्या मान लो वो 3 ने बुराई कर दी तो क्या मेरा डिफेमेशन हो गया? डेफिनेटली नहीं ना। यहाँ पर आपको पब्लिक को देखना पड़ेगा, आपको मेजोरिटी को देखना पड़ेगा, उस बुक का असर लोगों पर क्या हुआ, दिस नीड्स टू बी सीन। सो इफ इट इज नॉट प्रूवन कि बुक जो है शंकर ने लिखी थी तो उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। अगर ये प्रूव नहीं हो पाया कि उसने नहीं लिखी थी तो पब्लिश नहीं किया जाएगा। लेकिन मामला क्या बना कि कोर्ट ने फाइनली ऑब्जर्व करा कि स्टेट के पास कोई भी ऐसा राइट नहीं है कि बुक को पब्लिश कराने से रोक सके, सिर्फ इस ग्राउंड पे, क्योंकि उनको लग रहा है ये बुक डिफेमेटरी हो सकती है, ठीक है, सिर्फ इस ग्राउंड पे वो ये स्टेप नहीं ले सकते हैं। हाउएवर प्लेंटिव जो है वो सू कर सकते हैं आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द बुक इफ बुक टर्न्स आउट टू बी डिफेमेटरी। अगर उनको लगता है कि भाई ये बुक जो है ये डिफेमेटरी हो सकती है तो डेफिनेटली प्लेंटिव जो है वो सू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पब्लिश होगी, पब्लिश होने के बाद, ठीक है। पब्लिश होने के बाद इम्प्लीकेशन क्या हुआ जजमेंट का? भाई शंकर के पास राइट है अपनी बायोग्राफी पब्लिश कराने की, क्योंकि ये इट वॉज नॉट मेड बाय एनी मैलिफाइड इंटेंशन एंड हैज मेड नो फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, कोई बेकार इंटेंशन उसका नहीं था। उसने आत्मकथा लिखी, आत्मकथा में आदमी सही सही लिखता है, अपनी पूरी जीवन की गाथा लिखता है, उसने वही लिखा। अब अगर किसी के बारे में सच्चाई लिखी है जिसकी जिसकी वजह से उसकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हो सकती हैं, तो इन दैट केस हम ये नहीं कह सकते कि उसने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। बुक वॉज पब्लिश्ड एंड वो कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर रही थी रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफिशियल। जब वो बुक पब्लिश हुई तो ये पता चला कि उसमें कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, फालतू का प्रोपगंडा हो रहा था कि ये बुक इज डिफेमेटरी, जो इसमें लिखा है वो सही नहीं है। अब आप इससे भी पता लगा सकते हो कि स्टेट ऑफिशियल्स हवा में बातें कर रहे थे कि जो भी इसमें लिखा है वो ट्रू नहीं है, क्योंकि जब बुक पब्लिश होने के बाद पता चला कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो सीक्रेट था, तो इन दैट केस इसका मतलब झूठ बोला जा रहा था। राइट टू प्राइवेसी वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग 1995 में प्राइवेसी नहीं माना गया, ठीक है, किसी भी केस लॉ के थ्रू या किसी भी एक्ट के थ्रू। इसीलिए इस राइट को डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था एंड इसको एम्बिट में लाना आर्टिकल 21 में जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जो राइट टू प्रेस और राइट टू प्राइवेसी के बीच में था। कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है। यहाँ पर एक हिंट दे दिया था कोर्ट ने ऑलरेडी, उन्होंने कहा एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है, ऑटोबायोग्राफी जो थी वो पब्लिश हुई और बिना किसी ऑल्टरेशन के पब्लिश हुई थी। दैट मींस वहां पर स्टेट ऑफिशियल से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। अगर पब्लिश होने के बाद कुछ भी डिफेमेटरी होता तो यहाँ पर कोर्ट ने खुद मौका दिया था कि भाई आप केस फाइल कर सकते हो डिफेमेशन का।
ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी ऑटो शंकर केस. ऑटो शंकर की केस स्टडी पे मैंने डिस्कस किया. बाकी ऑटो शंकर की कहानी अगर आपको देखनी है तो आप काफी यूट्यूब चैनल्स पे, मतलब यूट्यूब पे आप जाके एक बार सर्च कर सकते हो ऑटो शंकर के बारे में, तो आपको काफी क्लिपिंग्स एंड ऑल डिटेल स्टडी मिल जाएगी कि भाई वो इंसान था कौन. ठीक है. एंड ऑल्सो इफ यू गेट द टाइम सो डू वॉच ऑटो शंकर मूवी. पूरी स्टोरी वहां पर ऑटो शंकर की दिखाई गई है. इन सबसे रिलेटेड जो भी वेब सीरीज एंड मूवीज है वो जरूर देखा करिए. यहाँ पर आपको क्लियर एस्पेक्ट समझ में आएगा. बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच को जानना और समझना. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना.